दोस्तों अगर आपने मेरा मैंटिस ई बाइक वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मैंटिस ई बाइक के बारे में जरूर से पता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। वैसे अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको इस बाइक के रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी, लाइक इसकी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक के बारे में कुछ अपडेट्स दूंगा और कंपनी के ओर से भी एक अनाउंसमेंट है और एक गुड न्यूज़ भी है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सो हे गाइस, दिस अजय एंड यू आर वाचिंग इन्फोटॉक, द ओशन ऑफ नॉलेज। तो अनाउंसमेंट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट द बाइक विच इज़ मेड फॉर एवरीवन। दिस ई बाइक स्पेशली डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स, ऑफिस गोअर्स एंड फॉर दोज हु यूज टू ट्रैवल 10-15 किलोमीटर डेली। तो ये बेसिकली उनके लिए है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस बाइक के साथ आप लॉन्ग जर्नी करेंगे तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वैसे अगर आप चाहें तो इस बाइक को आप एज अ सेकेंडरी व्हीकल के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। लाइक अगर आसपास कहीं जाना हो या फिर मार्केट से कोई सामान लाने जाना हो तो इस सिचुएशन में आप इसी बाइक को पेट्रोल व्हीकल्स की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि इसी बाइक को चलाने पर आपकी चालान भी नहीं कटेगी, क्योंकि इसी बाइक को चलाने के लिए ना ही तो किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी लाइसेंस की। तो चालान कटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपको तो पता ही होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद जुर्माना कितना बढ़ गया है। तो इस जुर्माने से बचने के लिए आप इसी बाइक को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी डेली कमिट लिमिट 10 से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है तो। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि वैसे हालांकि इस बाइक को चलाने पे आपकी चालान नहीं कटेगी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इस बाइक को लेकर आप ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करें। चाहे वो एक नॉर्मल साइकिल ही क्यों ना हो, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ट्रैफिक रूल जरूर फॉलो कीजिएगा और हेलमेट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि खुद की सेफ्टी के लिए पहनिएगा और हो सके तो दूसरों को भी यही सलाह दीजिएगा। वेल, ज्ञानबाजी बहुत हो गई, मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं अनाउंसमेंट की। तो अनाउंसमेंट ये है कि कंपनी 5 अक्टूबर से मैंटिस की प्री बुकिंग स्टार्ट कर रही है, जिसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंटिस के लिए ऑनलाइन प्री बुक कर पाएंगे। और फिर जैसे ही शिपिंग स्टार्ट होगी कंपनी इस बाइक को आपकी डोरस्टेप तक पहुंचा देगी। और शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देयर इज अ गुड न्यूज, तो गुड न्यूज ये है कि जैसे कि आपको पता है कि मैंटिस ई बाइक फिलहाल अहमदाबाद में ही अवेलेबल है। तो इसीलिए लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कॉमेंट किया था कि दूसरे सिटीज में ये कब लॉन्च होगा, तो फाइनली कंपनी ने आप लोगों की सुन ली और इसीलिए कंपनी इस ई बाइक को एज ऑफ नाउ इंडिया की 10 मेजर सिटीज में लॉन्च करने की डिसाइड की है। तो अगर आप इस ई बाइक को खरीदना चाहते हैं तो 5 अक्टूबर से आप इस ई बाइक को इनके ऑफिशियल वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं तो आप इस ई बाइक को डायरेक्टली इनकी इस ऑफिशियल शोरूम से खरीद पाएंगे, जिसकी एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप इस ई बाइक के रिलेटेड या फिर दूसरे इलेक्ट्रिक बाइक के रिलेटेड फ्यूचर अपडेट चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो बस यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंटिस ई बाइक की। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो डू शेयर योर व्यूज इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट अपॉन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।